रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के धाकड़ बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने खास उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल आपको बता दें कि डिविलियर्स ने सबसे तेज 5000 रन, जी हां, आईपीएल रन बनाने का कारनामा किया है। वो 150 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल में 5000 रनों का आंकड़ा छूने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि साथ ही डिविलियर्स आईपीएल में डेविड वार्नर के बाद इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे विदेशी बल्लेबाज हैं। बता दें कि 37 साल के डिविलियर्स ने आईपीएल के 14वें सीजन के 22वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ये मुकाम हासिल किया। बता दें कि डिविलियर्स ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें चौके और 5 छक्के शामिल थे। ऐसे में आपको बता दें कि डिविलियर्स 3,288 गेंद खेलकर 5,000 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं। बता दें कि इससे पहले डेविड वार्नर ने 5,000 रनों तक पहुंचने के लिए 3,554 गेंदें खेली थी। ऐसे में आपको बता दें कि डिविलियर्स के नाम अब तक 175 मैचों में 161 पारियों में 41.8 की औसत से 5,053 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 40 अर्धशतक भी निकले हैं। बता दें आपको कि एबी डिविलियर्स आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले ओवरऑल छठे बल्लेबाज हैं। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने हैं। बता दें कि कोहली के नाम अब तक 198 आईपीएल मैचों में 190 पारियों में 6,041 रन दर्ज हैं। कोहली ने ये रन 37.99 की औसत से और 130.61 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। इस दौरान कोहली के बल्ले से 5 शतक और 40 अर्धशतक भी निकले हैं। ऐसे में ये देखना बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगा, एबी डिविलियर्स ने जिस तरीके की पारी खेली, कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को हराने में एबी डिविलियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। दरअसल आपको बता दें कि एबी डिविलियर्स ने आखिरी ओवर में, जहां पर मार्कस टोइनिस ओवर गेंद डाल रहे थे, उनकी ओवर में 23 रन बटोर दिए। बता दें कि एबी डिविलियर्स की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद हर कोई उनकी सलाम कर रहा है। बता दें आपको कि एबी डिविलियर्स ने शानदार तरीके में 75 रनों की नाबाद पारी खेली, जिससे आरसीबी का खेमा मजबूत हुआ और दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से नज़दीकी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आगे आने वाले मैचों में एबी डिविलियर्स का कैसा प्रदर्शन रहता है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।